रामगढ़ स्थित माँ छिन्नमस्तिका न्यास समिति और हजारीबाग प्रमंडल के बीच रांची में एक विशेष समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। इसके तहत किसी भी डाकघर में एक निश्चित राशि का मनी ऑर्डर भेजकर माँ छिन्नमस्तिका मंदिर का प्रसाद घर पर मंगाया जा सकता है। डाक निदेशालय नई दिल्ली के डाक सेवा बोर्ड कार्मिक सदस्य मार्विन अलेक्जेंडर ने बताया कि देश के कई प्रमुख धार्मिक स्थलों को प्रसादम योजना से जोड़ा गया है। We should make the network of the postal system for making available citizens को क्या-क्या चाहिए पूरा उनके जगह से available होना चाहिए। श्री अलेक्जेंडर बताते हैं कि डाकघर की ओर से सुकन्या समृद्धि योजना, पेंशन योजना और कई तरह के सेविंग स्कीम चलाए जा रहे हैं। इन योजनाओं में बड़े पैमाने पर लोग लाभ उठा रहे हैं। इसके साथ ही डाक विभाग का रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। 65-70% हमारा रेवेन्यू फाइनेंशियल सर्विसेज से मिलती है, मतलब पोस्ट ऑफिसेज में काफी टाइप का सेविंग्स अकाउंट्स होती है, सुकन्या समृद्धि, सीनियर सिटीजन, मंथली इनकम स्कीम, रेकरिंग डिपॉजिट वगैरह होती है। इससे अलावा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। कार्यक्रम के दौरान माँ छिन्नमस्तिका न्यास समिति के अध्यक्ष आशीष पंडा, सचिव शुभाशीष पंडा और वरिष्ठ पुजारी अजय पंडा समेत कई लोग उपस्थित थे। न्यास के सचिव शुभाशीष पंडा डाक विभाग द्वारा उठाए गए पहल से काफी खुश नजर आए। इस बार भारतीय डाक के द्वारा इस बार जो कार्यक्रम प्रसादम योजना लाया गया, यह काफी जल्दी और काफी जल्दी इसका रूपरेखा तैयार करके एमयू साइन करने के बाद प्रारंभ किया गया। डाक विभाग की इस अनूठी पहल ने माँ छिन्नमस्तिका और उनके भक्तों के बीच की दूरी को पाटने का काम किया है। निश्चित रूप से नई सेवा प्रसादम का लाभ झारखंड समेत देश के विभिन्न राज्यों में रहने वाले माता के भक्तों को मिलेगा। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट।